उसने मुझे मारने की भी कोशिश की है। घर को बनाया संवारा, उस घर में से कहा जाए कि दफा हो जाओ। इतनी बार आपने कहा है, मर्दों को यही बात तो भूल जाती है। एक मेरी भी आपने माननी है। नहीं, मैं आपकी को बहुत मान ली है, अब आपकी कोई शर्त नहीं मैंने माननी। सुन तो सही ना, ये नहीं सुलह करने वाले। वैसे तो ये मेरे कपड़े सिल के आ चुके हैं माशाल्लाह से। ये मैंने ब्लू कलर के कपड़े लिए थे, पहले मैं इसकी सफाई कर लूँ फिर कोई इस्त्री कर लेते हैं। ये मैं इसलिए पहन लूँ, आज माशाल्लाह से ना बेगम के साथ रसाई करने जाना है। शोर शोर के जरा बन ठन के बंदे को जाना चाहिए ना। जय नमाज भी धरी है, सारे दाग बन गए हैं इस्त्री के जल जल के ना कपड़े के ऊपर। ये मेरा सूट है। अच्छा प्रेस करना है, वैसे तो प्रेस किए हुए हैं लेकिन इसके ना ये वाली लाइनें ना मुझे नहीं अच्छी लगती। ये जो ऐसे फोल्ड वाली होती है ना ये अजीब सी लगती है, तो इसी जगह पे ज़्यादातर इस्त्री को फेर लेते हैं। बाकी तकरीबन प्रेस ही है, हमारी प्यारी बेगम ही हमें करके देती थी, तो आजकल चलो कोई नहीं करना पड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तसव्वुर से एक नए व्लॉग के साथ, तो कैसे हम सब लोग, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ माशाल्लाह से जी। हम वो इस वजह से नहीं कि हमारे पिछले दिन लड़ाई चल रही थी, वो इस वजह से कि मैं नए कपड़े पहन के आ गया हूँ और नए कपड़ों के साथ एक पक्का जिन बना चुका हूँ कि मैं आज बेगम के साथ रसाई करने जा रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा तैयार शियार हो ले, खुशबू लगा लें। एक तो सबसे पहले आप लोगों ने मुझे ये बताना कि मेरे नए कपड़े कैसे लगे आप लोगों को। ये मैंने ईद पर लिए थे कपड़े, लेकिन दर्जी के पास भेजे, थोड़ी सी लेट हो गई, इस वजह से सिले नहीं थे। तो मैंने कहा आज पहन लूँ, आज ज़्यादा खुशी का दिन है। ईद भी खुशी का दिन ही होता है लेकिन आज कुछ ज़्यादा खुशी का दिन है, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे बेगम के साथ हमारा काफ़ी मूड ख़राब था। तो मैंने कहा थोड़ी सी प्यार मोहब्बत वाली बातें हो जाएं। वैसे भी नॉर्मली ये होता है कि शोर हजरात जो होते हैं ना बेगम से ज़्यादा 2-3 दिन 4 दिन मैक्सिमम दूर रह सकते हैं, मतलब लड़के रह सकते हैं, उसके बाद उनको रसाई करनी पड़ती है। तो मैंने भी सोचा यार बस इनफ रसाई करते हैं, तो अभी चलते हैं घर। मैं थोड़ा सा बाहर निकला था, मैंने कहा मूड शूट चेंज कर लें, हाँ ज़रा खुशगवार मूड में अच्छे माहौल में ज़रा वीडियो वगैरह बनाते हैं, ज़रा ग्रीनरी सब्ज़ा, आपको पता ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त होती हैं और दिमागी तवाज़ुन बंदे का ठीक करती हैं। तो मेरा भाई दिमागी तवाज़ुन अब ठीक हो चुका है और मैं अब पूरी तैयार हूँ रसाई के लिए। जो भी बेगम कहती हैं, जो भी उनका मूड है, आज उनकी बातें खुल के सुन भी लेंगे, बर्दाश्त भी करेंगे और रसाई की जानब भी बढ़ेंगे। तो आप लोगों ने दुआ करनी है हमारी रसाई अच्छे तरीके से हो जाए, प्यार मोहब्बत के साथ। वैसे हम नॉर्मली ज़्यादा लड़ते नहीं हैं, छोटी मोटी खलफशारी होती रहती है, तो कोशिश करते हैं कि हम खुद से सुलझा लें। लेकिन आप लोगों ने बेतहाशा कमेंट्स किए, प्यार मोहब्बत की और समझाने वाले और पता नहीं क्या क्या समझाया, तो बातें आपके लिए दिल पर लगें। और एक और चीज़ बात रह गई थी, वो बड़ी अहम बात है, वो मेरा मूड था कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। कल मैंने जहेज़ वाली बात की थी, वैसे वो एक नॉर्मल सी बात थी, जहेज़ की मैं खुद हक में नहीं हूं और आप भी उसके हक में नहीं थे। तो मुझे ये वैसे जान के बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह से हमारे यहाँ जहेज़ को वाकई ही एक लानत समझा जाता है, लेकिन कुछ जगहों पे इसको फिर भी डिमांड के तौर पर रखा जाता है। तो मैं उन लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जहेज़ एक लानत है, इस पर कभी भी ना जाएँ, हमेशा शख्सियत पर जाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेगम बहुत प्यारी हैं, अच्छी हैं, नेक नीयत हैं, साफ गो हैं, तो इसलिए मुझे किसी किस्म की कोई ऐसा इशू नहीं था कि वो जहेज़ लेके आती या ये वो करती। वो बस गुस्से में थी और गुस्से वाली बात आपको पता है कोई इतनी अहमियत नहीं रखती। तो माशाल्लाह से ये देखेंगे, ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो घास सड़ा पड़ा है, यहाँ पे स्प्रे किया गया घास को जलाने का। ये जड़ी बूटी होती है तो ये कमाद की फसल को काफ़ी नुकसान देती है, इसलिए यहाँ पर ना इसको स्प्रे करके मतलब जला दिया जाता है। लेकिन स्प्रे का ये होता है कि वो कमाद पे असर नहीं करता। हाँ, परिंदों ने घोंसले बनाए हुए हैं, ये बड़े प्यारे घोंसले होते हैं लटके हुए, बहुत ही मज़े के होते हैं ऐसे, मतलब इसमें कारीगरी की जो झलक होती है ना वो ज़बरदस्त होती है। और आज मौसम की मैं बात बताऊँ तो ये देखिए सूरज खड़ा है और काफ़ी ठंडा मौसम है, बहुत प्यारा मौसम है आज। गर्मी 2-3 दिन बड़ी शदीद गर्मी रही है, मौसम भी ठंडा हो चुका है और मौसम ठंडे के साथ साथ माशाल्लाह से अब हमारा मौसम भी बहुत ठंडा हो चुका है। मेरा तो बहुत ठंडा हो चुका है, बेगम का जाके देखते हैं, अल्लाह करे उनका भी ठंडा हो ताकि बात बन जाए।
अच्छी तरीके से सुलह कर सकें और फिर वैसे ही जिएं जैसे पहले जी रहे थे। तो आप लोग हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम है, बहुत अहम है। आप लोगों जब हमारी वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो यकीन माने, यकीन करें, इतना मज़ा आता है, ऐसे लगता है कि एक बहुत बड़ी फैमिली है हमारे साथ, हमारे दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। तो ये बातें आप लोगों की ना दिल पे लगती हैं आके, क्योंकि इतना ज़्यादा जो प्यार और मोहब्बत है ना, उसका दिल से शुक्रिया। तो लेट्स गो, अभी घर चलते हैं और बेगम के साथ आपकी मुलाकात भी करवाते हैं और रसाई का आगाज़ भी करते हैं। तो लेट्स गो। तो मैं घर आ चुका हूँ, बेगम मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी किया यार। हाँ हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशगवार मूड है। और देखो आप चाहते हो खराब रहे। नहीं नहीं, अच्छा होना चाहिए, छोना चाहिए माशाल्लाह से। और मैं देखो आज आपके लिए नए कपड़े पहन के आया हूँ, पता क्यों? क्यों? अंदर मूड अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि सारी हम खलफ शारी खत्म करें। लेकिन उससे पहले आप बना क्या रही हो? बोला आपकी फेवरेट क्या? बोला पुलाव, चिकन पुलाव, बिरयानी टाइप। हाँ जी, हाँ जी, माशाल्लाह। वैसे एक और बात भी है, रेड सूट में आज आप भी दुल्हन लग रही हो, शर्मा गई हो हैं? नहीं, मैंने क्यों शर्माना? शर्मा गई बंदी, कुड़ी शर्मा गई भाई। अच्छा जी, तो यहाँ अच्छा बिरयानी बना लूँ फिर? मैंने आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। नहीं, मैंने भी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। करनी है? हाँ, बस मैं बोर हो गई थी, मैं किससे बात करती? अच्छा, ओहो माशाल्लाह, वाह, निशाना बड़ा सही लगा जी। आपसे मेरी लड़ाई थी तो मैं ना बड़ी बोर हो गई, आपके अलावा तो मैं किसी से बात ही नहीं कर सकती ना। तो जनाब निशाना हमारा 101% सही लगा और आज पक्की रसाई होने वाली है। बस ये बिरयानी बन लेती है, बिरयानी भी आप लोग दिखाते हैं और किस तरह की बनी है, और रसाई भी दिखाते हैं कि भाई रसाई कैसे होती है। दोनों तरफ थक गए थे, बस हो गई थी। दोनों तरफ माहौल अच्छा है तो इस माहौल का फायदा उठाना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। बस सच्ची आप रेड कपड़ों में बड़ी प्यारी लग रही है। रेड कपड़ों में? हाँ, थैंक यू। अच्छा है सूट, वैसे महंगा भी था? नहीं, इतना भी नहीं था, इतना तो लोग कहते हैं हम आम ले लेते हैं। कर दी ना बात वही है? नहीं नहीं, मैं वैसे कह रहा था ये अब लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। अच्छा जी, अभी थोड़ा सा लड़ना नहीं है, उसके बाद भी मिलते हैं। अभी 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 मिलते हैं आप लोगों। पुलाव, पुलाव बिरयानी और यहाँ पे चिकन फ्राई हो रहा है आज, और यहाँ पे चिकन फ्राई हुआ पड़ा है। नहीं नहीं, अभी होना है, इसको भी स्टीम दी है। इसको भी स्टीम दी है? हाँ। खाना मेरा लग रहा है और सलाद रायता वगैरह आ चुका है, चम्मच भी आ चुका है। हम इधर चार पे बैठ के खाना खा रहे हैं इसलिए कि ज़रा यहाँ पे कमरे में ज़रा सुकून होता है। तो अच्छा, ये टेबल चार चेयर भी आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अच्छा मूड लग रहा है। मैं कौन बैठूं? क्या आप यहाँ बैठना, यहाँ बैठना है आपके लिए, ये चेयर है, ये आपकी, जुरेज उठो, वो वाली आपकी चेयर है, शाबाश। तो मैं अभी चलता हूँ किचन में और देखते हैं किचन में खाना कैसा बन गया, दम शम कुछ ज़रा बेगम के करीब करीब रह के ना चीज़ें दिखानी चाहिए। आ हा हा, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। तो ज़बरदस्त किस्म के चावल, मिर्चें, चिकन, ये वो स्टीम स्टीम चिकन है। हमारी बिरयानी चावल पुलाव रेडी है जी, तो बस आप डालो इसमें फिर हम खाते हैं। आई तो माशाल्लाह बेगम का सिर्फ मुँह देखने को दिल कर रहा है, सच्ची हस्ती हो। सही है, थोड़ा दम और दे लेना था, या सही है? ये तो बड़ी देर दी है वैसे। दिया? इसका दम लेकिन ठीक है, ठीक है। ये हमारे चावल ऐसे होते हैं। हाँ, ये कच्चे चावल होते हैं ना, तो ये ऐसे होते हैं। अच्छा, ये देखिए माशाल्लाह, बोटियाँ बोटियाँ। हाँ, आज मुझे ना ज़्यादा बोटियाँ मिल रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि ना दाल काली नहीं है, दाल साफ हो गई है। तो खाना खाते हैं जी।
खाने के बाद इंशाल्लाह ना हमारी बकायदा रसाई होगी। हाँ। होगी ना? हाँ, चलो ठीक। वो तो होनी है ना, वो तो होनी है, उसके बगैर तो वो रहा नहीं जाए। ले 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 ले, भूख भी लग रही, रफें गिर रही हैं अब तो। जी तो माशाल्लाह से जी हमने खाना खा लिया और अब हमारी फाइनल तैयारी है रसाई करने की। तो इनकी कुछ डिमांड्स हैं जी, वो इनकी पूरी करनी। वो मैंने बात की, मैंने चल बात ख़त्म करे, सूरनामा साइन करे, तो कहती नहीं मैंने अभी आपसे बात करनी है। मैंने कहा इनकी बात सुन लेते हैं, आप लोगों को भी सुनाते हैं। आप पहले अपनी बताओ ना, आप पूरी करोगे? हाँ मैंने तो कहा है जो हुक्म सर आंखों पे, कोई मसला भी नहीं है। सुनाए जी हुक्म फरमाए। कि मैं रेसिपी बनाऊंगी, आपने सबके सामने ये ना हो कि आपने मेरी आप मेरी बेइज्जती शुरू कर दो, नहीं तो मैंने रेसिपी नहीं बनानी। अगर आपने कुछ बोला गलत सलत, मैंने वहीं पे चीजें फेंक देनी है। वो असल में पता है क्या होता है ना, मैं इनको समझाता हूँ कि ऐसे ऐसे करना है। आपको नहीं पता होता, वो पकाने वाले को पता होता है कि कैसे कैसे होता है। अच्छा जी इनकी ये बात मान ली, कुछ भी नहीं कहूंगा। और बताओ, आपने मुझे ना ज्वेलरी बनवा के देनी है गोल्ड, बस ये इन्हीं दिनों में। ठीक है, अच्छा दो हो गई। आपने मंथली मुझे ना अलग से खर्चा देना है। ये ना हर बार पता है क्या कहते हैं आपको, मैं कपड़े नहीं ले देता, जूते नहीं ले देता, आपको क्या जरूरत है कोई खर्चा रखने की? अच्छा। मैंने किसी को लेना देना भी होता है। नहीं तो आप रखा करो खर्चा, कहाँ मैं कहीं पत्ते तोड़ के लाऊं आसमान से जो रखा करूं दरख्तों से? असल में पता क्या है, हाँ। इनको पैसे देते हैं ना ये किचन में किसी अलमारी में रख देंगे। खवातीन की ऐसी सेविंग वाली जगह होती है, सेविंग वाली। मैं आपको पहले बात बताऊं, किचन में रख देगी जी दराज में, देख लें यही। अच्छा। बहाने इनके, सुन तो सही ना, ये नहीं सुला करने वाले वैसे, एक बात है। और यार पहले बात तो सुन, नहीं मैं नहीं सुननी, आपने देने है कि नहीं देने? मैं वो दूंगा बात, अब मैं आपको बात बता रहा हूँ। अच्छा कभी इधर पड़ी होंगी यहाँ पे, कभी पड़ी होंगी किचन में, कभी किसी जगह। वो जब हम कभी वहां से कुछ उठाते हैं ना तो वहां से पैसे निकल रहे होते हैं, पूछे कहाँ वो मैंने रखे थे, मुझे याद नहीं रहे। नहीं नहीं आप मुझे दो, चाहे मैं कुछ करूँ उनका, ठीक है ना? यानी आपसे ना देने वाली बात। यार दूंगा पैसे, दूंगा मैं बता रहा हूँ कि कहीं एक जगह पे रख लिएगा। हाँ। ना एक मेरी भी आपने माननी है। नहीं मैं आपकी को बहुत मान ली है, अब आपकी कोई शर्त नहीं मैंने माननी। आपने पता है क्या करना है, जब आप मुझसे लड़ाई करते हो मुझे कहते हो इस घर में दोबारा ना आना, अगर आप जा रही हो दोबारा ना आना, ठीक है ना? ये मैंने कब कहा है? कितनी बार आपने कहा है? मर्दों को यही बात तो भूल जाती है। तो अब की लड़ाई में ये निकलेंगे इस घर से। मतलब कैसा, क्या मतलब? जब अगर हमारी जायबत मियां बीवी हो और लड़े ना, ये तो हो नहीं सकता। हाँ छोटी मोटी तो होती रहती है। तो आपको मैं ऐसे बाहर निकालूंगी ना घर से, आप याद रखोगे, बेशक आप जहाँ जाते हो जहाँ आपका दिल करता है आप जाओ, पता लगे कि कितना दर्द होता है दूसरे बंदे को। नहीं नहीं मतलब क्या आपका कहने का, मुझे नहीं समझ नहीं है। इसी तरह आपको आनी भी कोई नहीं है समझ, भोलापन तारी हो जाता है ना। आप आज रात ना इस घर से बाहर जाओगे, जिस तरह आप मुझे कहते हो ना कि आप इस घर से निकल जाओ, चली जाओ, दफा हो जाओ, तो आज कब का आपको दफा हो जाएगी? वो मर्दों को अब याद ही नहीं रहना, वो तो आप रिकॉर्ड सुने जी, ये आप अपनी वो जो करते हो वीडियो लगाते हो ना उसमें से कट कर देते हो। अगर आप ये सारी रिकॉर्डिंग करो ना, इनको बताओ तो पता लगे कि आप क्या क्या कहते हो। तो आज रात आप जब घर से बाहर रहोगे ना, आपको फिर मेरी तकलीफ का पता लगेगा कि जिस घर को बनाया संवारा उस घर में से कहा जाए कि दफा हो जाओ, निकल जाओ, जाओ वापस ना आना फिर इस घर में, तो कितनी तकलीफ होती है। मैं सुबह से तैयारी कर रहा हूँ कि मैंने भी सुना की है, मैंने तो ऐसा कोई बात नहीं की जो आप यूं करके शुरू हो गए हो। मैं सुबह से मैंने मूड ये था कि भाई रसाई हो जाएगी, बात खत्म, किस्सा खत्म, लेकिन सामने हमारी सुलह हुई है, ये कई बार हमारी झड़प हुई है, इन्होंने मुझे ऐसे ही कहा है, अब अपनी बार इनकी आए बाएं शाएं शुरू हो गई है। क्यों मैंने फर्ज करो कभी कोई ऐसी बात की भी है ना, तो मैंने अभी की, आपने अभी लड़ाई में भी मुझे कहा है कि नहीं, वो उसमें गुस्से में बंदा चलो खा ले देगा, उसका मतलब ये नहीं होता कि निकालना। किचन में भी कहा अभी इसी महीने की बात है, मेरा सारे दिन की तैयारी जाया, मतलब आप रसाई नहीं कर रहे? वो आपकी जाया नहीं होती, आपके साथ मेरी सुलह है, कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, आप मेरे शौहर हो, मैं आपकी बीवी हूं, लेकिन जरा आपको बीवी वाली तकलीफ का एहसास तो दिलाऊं। अभी अभी हुआ है, अभी किया नहीं है तो अभी हो गई है ना। नहीं ये तो बात नहीं, नहीं है अब ना। बस अब आप ऐसे करोगे तो ठीक है, वेलकम, सुलाई सुला, नहीं तो नहीं।
अब आप सोच लो आपके पास आज का इसका मतलब आप सफाई सुलह के चक्कर में नहीं हुआ। नहीं नहीं मैं क्यों लड़ाई करूं, मैंने रहना घर है, ये मेरा घर है, मैं इसी में रहना है, आपके साथ रहना है, लेकिन आप मेरी पहले सारी शर्तें मानो। तो वो मैंने कहा सारी बातें मान, सारी को ये वाली भी माननी है, लास्ट वाली भी। ये तो कोई बात नहीं, अब मेरे पीछे ना मैं काम कर रही किचन। कभी शोर भी गए मुझे ये बताओ हैं? क्यों बीवी, बीवी क्या गई, इतनी गई गुजरी होती है क्या मतलब कि उसको शोहर के दफा हो जाए, वो दफा हो जाए। ये घर मैंने बनाया है, अपनी मेहनत से बनाया है, ठीक है ना, तो मैं क्यों जाऊँ इस घर से। मैंने आपको कब कहा आप जाओ? 4-5 दफा कहा है। मैं कहती हूँ अगर वो रिकॉर्ड होती ना तो मैं वो सबूत पेश करती। वो तो हर कोई मुकर जाता है, टाइम आता है तो हर कोई मुकर जाता है। अल्लाह और हिदायत दे मुकरने की। घर से फिर आपने रसाई करनी है तो कर लो, नहीं करनी तो फिर वही मेरी बात है। चलो अपने आप को आजमा के देख लो, देखो कि दूसरे बंदे की कितनी तकलीफ होती है, आपको कितनी जितनी खुद पे बीतेगी ना तो समझ लेना उस बंदे को उस वक्त समझ आती है जब उस पे उसके ऊपर बीतती है, ठीक है ना। आपको मतलब कि आधी रात को अब मोहल्ले में तमाशा दिखाना है ऊंचा ऊंचा बोल के? क्या कुछ नहीं होता, पहले तमाशा थोड़ी देखते हैं लोग। तो भाई रसाई ना करने वाली बात है, टाइम जाया करने वाली बात है। आपने मुझे मारने की भी कोशिश की है।